कितने वाले हैं? 70 रुपए के। 70 रुपए। Hey guys, welcome back to my channel, सुशी सोहिता के साथ में। तो गाइस हम जा रहे हैं गंजीपुरा, आपको लेके चलते हैं। हम ब्यूटी प्रोडक्ट लेने वाले हैं गंजीपुरा से। चलिए आप देखते हैं कि हम क्या क्या लेके आने वाले हैं। चलो चलते हैं फिर। आज का मौसम है बहुत सुहाना, तो हम लोग निकल चुके हैं गंजीपुरा की ओर, जो घर के हमारे घर से है कितनी दूरी है? 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, लेकिन माहौल इतना अच्छा लग रहा है। बारिश हो गई है तो हरियाली से पूरा माहौल भर गया है। मतलब रास्ते इतना सुंदर लग रहे हैं ना, आप भी देख सकते हो यार कितना मज़ा आ रहा है। मैंने ऊपर से कोशिश की वीडियो लेने की कि मेरी बहना भी अच्छे तरीके से दिख जाए, और घंटा घर से होते हुए हम लोग जाएंगे और आपको एक साइड दिख जाएगा कि एक साइड बड़ा फुहारा जाता है रास्ता और एक साइड गंजीपुरा। तो हम गंजीपुरा की साइड मुड़ जाएंगे क्योंकि हमारा वहीं है मेन मुद्दा, हमारा मेन लोकेशन वही है, हमको वहीं जाना है और कहीं हमें देखने नहीं। तो मार्केट खुलता है 12-1 बजे तक, हम लोग पहुँच गए थे 12-12:30 बजे तक, क्योंकि मार्केट अच्छे से मैं बताऊँ तो 1 बजे आप खुलता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक लॉन्ग टाइम मतलब शाम को 10-12 बजे तक ये शॉप ओपन रहती है ना, इसलिए सुबह थोड़ा लेट खुलता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गंजीपुरा और यहाँ देख के ना इतना मन ललचाता है कि हम क्या लें। अब रक्षाबंधन आने वाली, तो न्यू कलेक्शन भी आ गया है यहाँ पर, बहुत अच्छा अच्छा और लड़कियों का ना चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, गर्ल्स का ना सारे, और यहाँ सब गर्ल्स ही गर्ल्स आपको घूमते हुए देखा जाएंगे, कॉलेज के गर्ल्स। हम लोग थोड़ा ना टाइम मतलब ये कि हम लोग 12 बजे आ गए थे तो थोड़ा टाइम लगता था, थोड़ा भीड़ कम दिख रही होगी। मैंने यहाँ अपने लिए शॉर्ट मतलब शॉर्ट ड्रेस के लिए, यहाँ हम देख रहे हैं मैक्सी भाभी के लिए। मैंने कहा पहले ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लेते, पहले ये चीज़ लेते हैं, नहीं तो कहाँ तक लेके सामान घूमेंगे। तो हमने यहाँ से सामान ले लिया है, अब हम पहुँचते हैं दूसरी मंजिल की ओर। हमें स्लीपर भी लेना था, तो हम लोग पहुँच चुके एक अच्छी बढ़िया सी शॉप में जहाँ हमको अच्छी अच्छी स्लीपर दिख रही थी। तो मैं बता दूँ यहाँ बहुत हाई फाई रेट बता रहे थे कि 250 देंगे, 300 रुपये की एक स्लीपर्स मतलब जोड़ा जो हील्स वगैरह है। तो पता है ना आप लड़कियों को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि वो जितना बोलते हैं उतना तो दे के आएंगी ही नहीं, उतने में दे के थोड़ी ना आने वाले। फिर हम लोगों ने थोड़ा बार्गेनिंग की कि थोड़ा बहुत तो यार कम मिलेंगे, तो फिर 200 में तक उन लोगों ने 200-150 में हम लोग ऐसे स्लीपर्स लेके आए। मैंने जो ये पहनी अभी हील्स, ये 200 की आई है और बहुत अच्छी कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया लगी मुझे सूट के साथ पहनने में। मैं सोचा कि अब मैंने अपने लिए देख लिया, अब बहन के लिए भी देख लूँ, नहीं तो उसका मुँह बन जाएगा सड़ा सा कि अपने लिए तो ले ली मैं, मेरे लिए तो उसने ये वाली जूती पसंद की है जो मुझे भी बहुत पसंद अच्छी लग रही है। श्वेता ने बोला तभी मैंने ली है ना, तो मैं नहीं ले रही थी, फिर उन्हें एक और जूती पसंद की, फिर उसने श्वेता ने, मैंने एक स्लीपर मुझे चाहिए ही थी और एक हील चाहिए थी। फिर हम लोग आ चुके हैं ब्यूटी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ मैंने क्या क्या लिया है और कितने कितने दामों में लिया है। सोचते होंगे कि ब्यूटी पार्लर वाली मतलब हम लोग इतना ज़्यादा चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि जब ब्यूटी प्रोडक्ट ही इतना महंगा आता है, मतलब मैं आपको अभी डिटेल में अभी लास्ट में बताती हूँ कि ये पूरा टोटल सामान मेरा कितने का आया, क्योंकि हर चीज़ें ना मतलब हर चीज़ में डिस्काउंट हो जाएगा लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं होता है, क्योंकि जो ब्रांडेड चीज़ें रहती हैं ना उसमें मार्जिन बहुत ही कम होता है, तो हमें इतना ज़्यादा का ख़रीदना पड़ता है तभी हमें उतना ज़्यादा लगाना पड़ता है। हम यहाँ लिपस्टिक ढूंढ रही हूँ, मुझे कभी भी ना अपनी पसंद की लिपस्टिक नहीं मिलती है, मतलब जो शेड मुझे चाहिए रहता है मुझे बहुत सारी दुकानों में ढूंढना पड़ता है तब कहीं मुझे वो शेड मिलता है, क्योंकि मैं अभी वीडियो में बिल्कुल नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना सामान बहुत अच्छे तरीके से परचेस करती हूँ, मुझे बहुत चुन चुन के मैं चीज़ें ना ढूंढ के अपने क्लाइंट को लेके आती हूँ जो उनको पसंद आए। आपको मेरा वर्क देखना है, मेरा मेकअप देखना है, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए गाइस, आपको यहाँ पे मेरी आईडी शो हो रही होगी, तो जाके जल्दी से मुझे फॉलो करिए। नहीं मैं
चलें। चलो अच्छा चलते हैं अब घर। अब मेरी नजर पड़ी है इन प्यारी प्यारी ज्वेलरियों पे, तो मेरा दिल ना धक धक करके इन पे आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने पर्स को संभाल के रखूँ, पैसे ना जाए, लेकिन लड़की है ना। दादाजी अकेले बैठे हुए, तो हमने कहा जाके उनकी ज्वेलरी देखते हैं क्या क्या है। तो सच बताए तो हमें वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आ ही रही थी, जैसे ये मैं जो हाथ में ली हूँ, मुझे ये उन्होंने बताया 200 का ये नेकलेस बताया है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, कैमरे में तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन रियल में देखने में और अच्छा लग रहा था। वाइट कलर का ले लूँ क्या मैं? जैसे ये ले ले रही हूँ। जी ने दे दिया, और एक ये महंगा ले ली, 50 रुपये का ली, बता कोई तो? बात नहीं है, चलता है थोड़ा कुछ भी चलता है। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कॉल ले रही थी तो दे देना 100 रुपये। 100 रुपये का तो ही ना देता, मैं 30 रुपये और देती है, कॉल लेती। चलो हमको एक गर्ल मिली है जो एयरिंग्स चूज करने में उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही, तो हम उनकी हेल्प करें। हाय हाय, हाँ ब्लॉग बना सुशी श्वेता करके है, लड़कियों में बहुत कंफ्यूज होना पड़ता है। हम लोग गंजीपुरा से निकल चुके हैं, अब वो कुछ तो खाएंगे, हमें एक न्यू सब्सक्राइबर सारी। लेती हूँ उसको, बहुत शर्म लग रहा है। हम पहुँच चुके हैं चौपाटी में, तो यहाँ सबसे फेमस शॉप है जहाँ हम लोग आए हैं। खाए तो चलेगा नहीं, इसको इतनी भूख लगी चालू हो गई है। क्यों देखो राइस ऐसे करना, फोटो खींच रही मैं लड़की गुस्से में। चल अगर फिर होटल ले चले लड़कियों को ना जाने कितना। वाकई में टमाटर इतने महंगे हो चुके हैं, 100 रुपए किलो। हमने सब्जी ली यहाँ से, फिर हम निकलते घर के लिए, और हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती गाइस। हमने लास्ट का टेक लिया था, लेकिन बाय चांस वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड हुआ लेकिन मोबाइल में आने, इतना ज़्यादा मोबाइल हैंग करने लगा था। तो आप हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।